रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एजी कुकिंग शो। नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट बनने वाला आलू का भरता। तो नाज़रीन, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए मैं बता दूँ, मैंने लिए हैं 1/2 kg आलू जिन्हें मैंने बॉईल कर लिए। उसके अलावा मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इस तरह मैंने छोटा छोटा उन्हें काट लिया। 1 कप मैंने दही ली है, 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1/2 कप मैंने पुदीना धनिया छोटा छोटा काट लिया। इसके अलावा जो इसमें चीज़ डलेगी वो है नमक 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, 1 पिंच के करीब मैंने कलौंजी ली है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल में प्याज को गोल्डन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने इसको इसमें गोल्डन होने के लिए रख दिया, जब तक हमारी प्याज गोल्डन हो रही है हम दूसरी तरफ आलुओं को मैश कर लेते हैं। नाज़रीन, हमने क्या करना है, आलुओं को मैश करना है और इसके लिए जो हमने मसाला बनाना है वो ये है कि मैं दही के अंदर ये सारे मसाले शामिल कर लूँगी। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको ट्राई भी ज़रूर करना। अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह आप इनको बॉईल कर लेना है, आप इस तरह बहुत बारीक वाला नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा मोटे मोटे भी आलू रहे कोई इशू नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हैं। अभी देखिए प्याज हमारा गोल्डन हो गया, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। नाज़रीन देखें, आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, उधर मैंने प्याज में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, बस 1 मिनट के लिए वो हो जाएगा, तो फिर हम उसके अंदर ये जो हमने दही के अंदर सारे मसाले डाले हैं हम इसको ऐड करेंगे। नाज़रीन देखिए, अदरक लहसुन को 1 मिनट हो गया, अब इसमें मैंने जो दही के अंदर मसाले मिक्स किए हैं हम उसको शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है। और साथ के साथ मैं आपको याद दिला दूँ, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगे बेल आइकन पे प्रेस भी करना है। नाज़रीन 2 से 3 मिनट तक हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि हमारे मसाले थोड़े से हो जाएं। इसी स्टेज पे हमने क्या करना है, साथ के साथ ये जो मैंने धनिया काट के रखा था हम उसको शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन 3 से 4 मिनट हो गया मुझे मसाले को भूनते हुए, देखिए ज़बरदस्त शक्ल हो गई इसकी। अब हम इसमें अपने बॉयल और मैश आलू शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बस आपने इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें, और आपको पता है आलू ऑलरेडी बॉयल्ड है, मसाला हमने कुक कर लिया है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो पकने में टाइम लेगी। बस हमने 2 से 3 मिनट का इसको दम लगाना है और हमारे आलू का भरता बिल्कुल रेडी है। लेकिन हमें इसको अच्छी तरह बीच में मिक्स करना है ताकि मसाला सारे में अच्छी तरह रच जाए। नाज़रीन अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। अगर आप इसको पतला बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके आप इसको दम पे लगा सकते हैं। मैं इसमें पानी शामिल नहीं करूँगी, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। बस इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए दम पे लगाऊँगी, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हमारा आलू का भुर्ता ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना है ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और नाज़रीन फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी साथ के साथ वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।